नाउ नेक्स्ट सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एरे इंसर्ट ऑपरेशन। इसमें आपको एरे के अंदर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना बट बिफोर गिवन एलिमेंट। जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था हाउ टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट आफ्टर गिवन, बट इन दैट केस यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू आइटम बिफोर गिवन नंबर। क्लियर? इस केस में जस्ट मैंने कोई मिस डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैं आपको लॉजिक प्रोवाइड करूंगा, लॉजिक डिस्कशन की जिस पर फाइनली राइट डाउन क्या करेंगे सोर्स कोड। क्लियर? सारे के सारे ऑपरेशन सेपरेटली फंक्शन वाइज क्रिएट करने आ जाए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इन दैट केस सपोज अगर आपके पास कोई इनिशियली कोई एरे अवेलेबल है, एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देर आर, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इसका 10, मीन्स एरे का साइज क्या है 10, लेकिन करेंटली अगर करेंट साइज की बात करें, करेंट साइज मीन्स करेंटली अवेलेबल और करेंटली इंसर्टेड एलिमेंट, करेंटली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहे हैं, देर आर 10 एलिमेंट्स। अगर मैक्स साइज की बात करें तो इस एरे का मैक्सिमम साइज क्या है, जस्ट 10 एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ ना कि बाइट्स, लेकिन करंट साइज क्या है इसका, करंट साइज ऑलवेज मैनेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एन। करंट मीन्स लॉजिकल साइज, फिजिकल साइज क्या है 10, लॉजिकल साइज क्या है 6। इस केस में आपको न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराने की नीड है, न्यू एलिमेंट और न्यू आइटम, यू वांट टू इंसर्टिंग न्यू आइटम एज 25 बट बिफोर 30, मीन्स 25 किस प्लेस पर इंसर्ट करें, जस्ट बिफोर 30। तो इस केस में गिवन एलिमेंट क्या होगा, गिवन इज 30, मीन्स 30 से जस्ट पहले इंसर्ट क्या कराना है 25। तो इसके जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने का वे क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या पास करेंगे, सबसे पहले उस एरे का नेम पास करो जिस एरे के लिए इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना, मीन्स एरे नेम क्या, इसके सपोज दैट ए, देन इसके साथ साथ सप्लाई क्या करेंगे इस करेंट साइज ऑफ एरे, यानी क्या इसके मैक्सिमम साइज ऑफ करेंट साइज, करंट साइज, देन थर्ड आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे गिवन एलिमेंट, जिसे एलिमेंट से जस्ट पहले आपको इंसर्शन परफॉर्म कराना, तो इंसर्शन किससे पहले परफॉर्म कराना, गिवन, गिवन का वैल्यू क्या करेंटली 30। देन फोर्थ आर्गुमेंट सप्लाई करो इंसर्टेड आइटम विच यू वांट टू इंसर्ट आइटम लाइक दैट, दिस इज द वे ऑफ कॉलिंग इंसर्ट फंक्शन। जस्ट इस फंक्शन के लिए मुझे लॉजिक्स प्रोवाइड करना है, सबसे पहले रफली बात करें तो सबसे पहले इस फंक्शन इंसर्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा, उस एलिमेंट को सर्च करोगे जैसे एलिमेंट के पहले आपको गिवन आइटम इंसर्ट कराना। सपोज दैट अगर गिवन इस केस में क्या है 100, तो 100 इस केस में कहीं भी एग्जिस्टिंग है क्या, नहीं, तो गिवन के रिस्पेक्ट में टू पॉसिबल केस हैं, या तो गिवन एग्जिस्टिंग होगा या फिर नॉन एग्जिस्टिंग। अगर नॉन एग्जिस्टिंग है देन आपको कोई भी ऑपरेशन और कोई भी एक्शन परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं, एक्शन या लॉजिक्स का परफॉर्म कराना है। अगर गिवन एलिमेंट कैसा है एग्जिस्टिंग प्लस गिवन के रिस्पेक्ट में आपको रिक्वायर्ड किया हुआ इंडेक्स ऑफ गिवन आइटम्स, तो इस केस में आपको रिक्वायर्ड किया हुआ सर्च ऑपरेशन, मीन्स इस केस में सर्च क्या करोगे ऑलवेज गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस केस में करंट साइज क्या है 6, तो इस केस में सप्लाई क्या किया करंट साइज है 6, गिवन के प्लेस पर सप्लाई क्या कर रहे हैं डायरेक्टली गिवन आइटम इज 30 एंड इंसर्टेड आइटम इज 25। इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले रिक्वायर्ड किया हुआ सर्च ऑपरेशन, और सर्च ऑपरेशन के केस में रिटर्न क्या करा हुआ है इधर सर्चिंग इंडेक्स ऑफ गिवन आइटम, मीन्स गिवन आइटम जिस प्लेस पर अवेलेबल उस प्लेस का या तो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करा होगा, नॉन एग्जिस्टिंग है देन -1। तो इस केस में सबसे पहले इंप्लीमेंट करा सर्च फंक्शन, सर्च फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिटर्न क्या होगा इंडेक्स, इसलिए मैं रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूं एज़ जस्ट इंटीजर टाइप सर्च। ऑलरेडी इसको मैं 2 times बना चुका हूं, आई थिंक आपको इस केस में कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। इंट स्टार ए, देन इसके अलावा सर्च ऑपरेशन के अंदर रिक्वायर्ड क्या होगा साइज ऑफ एरे, देन आइटम जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो वो एलिमेंट सप्लाई करोगे सर्चिंग आइटम। देन इसके इसमें जस्ट सिंपल ऑपरेशन है इंटीजर इटरेटिव वेरिएबल आई फॉर लूप, सर्चिंग के रिस्पेक्ट में गिवन आइटम या आइटम के वैल्यू एरे के सभी एलिमेंट से तब तक कंपेयर करेंगे जब तक कंपेरिजन सक्सेस नहीं होता, क्लियर? प्लस इस केस में एरे के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स करोगे यूजिंग गिवन लूप आई प्लस प्लस, देन इफ, इफ इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ फॉर लूप। इफ के केस में कंडीशन क्या होगा इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू आइटम, अगर एक कंडीशन ट्रू था इसका मतलब क्या है आइटम इज अवेलेबल एट आईथ इंडेक्स, मीन्स देन इस केस में इमीडिएटली रिटर्न क्या करा हुआ रिटर्न सर्चिंग इंडेक्स का सर्चिंग आइटम का इंडेक्स, इंडेक्स केस में स्टोर है वेरिएबल आई के फॉर्म में। अगर सारे के सारे कंपेरिजन परफॉर्म हो चुके हैं प्लस एक भी कंपेरिजन सक्सेस नहीं, देन उस केस में रिटर्न क्या कराएंगे फेल्योर मीन्स फॉल्स, इस केस में फॉल्स के रिस्पेक्ट में फेल्योर के रिस्पेक्ट में रिटर्न क्या कराओगे इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन विच इज -1। दिस इज द मीन्स जब भी ये फंक्शन कॉल हो इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गिवन है आइटम जो भी आप इसमें वैल्यू पास करो उस वैल्यू का वैल्यू को सर्च करके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स प्रोवाइड करना, लेकिन एक्चुअल इंसर्ट ऑपरेशन कौन परफॉर्म कराएगा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना सबसे पहले सर्चिंग एलिमेंट का पोजिशन सर्च करोगे यू आर क्रिएटिंग इन दैट प्लेस इंसर्ट फंक्शन,
इंसर्ट, इंसर्ट के केस में फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या हो रहा है, एरे का बेस एड्रेस। सेकंड आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है इस केस में, जस्ट साइज, करेंट साइज एन। थर्ड आर्गुमेंट गिवन आइटम, जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो, सॉरी जिसके पहले आप इंसर्शन परफॉर्म कराना चाहते हो। प्लस थर्ड आर्गुमेंट आइटम विच यू वांट टू इंसर्ट। क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या, सबसे पहले आप जिसे एलिमेंट के पहले इंसर्ट कराना चाहते हो उस एलिमेंट को सर्च कराओ। तो सबसे पहले सर्च ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 30 सबसे पहले कंपेयर केस होगा 10 से फॉल्स, देन 20 से फॉल्स, देन 30। 30 के केस में मैच हो रहा है, इसका इंडेक्स क्या है 2। ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड कौन करेगा, सर्च फंक्शन। तो फाइनली इस केस में सर्चिंग एलिमेंट का इंडेक्स आपको रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि सर्चिंग एलिमेंट के इंडेक्स के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल। इस केस में डायरेक्ट में कॉल किया करें फंक्शन नेम है सर्च। प्लस सर्च के केस में आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, एरे का एड्रेस प्लस करेंट साइज प्लस गिवन एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो। इसके अलावा एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा आई, जिसके थ्रू इस एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। क्लियर। देन फाइनली इस केस में जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, ये रिटर्न क्या करेगा, इसे गिवन, गिवन क्या था 30, 30 का इंडेक्स, 30 का इंडेक्स क्या है 2, ये 2 असाइन किस में हो जाएगा, सेपरेट वेरिएबल इंडेक्स। क्लियर। इंडेक्स में क्या असाइन हो जाएगा, जस्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ सर्चिंग आइटम्स 2। इस केस में वन थिंग क्लियर हो चुका है, जिस प्लेस पर, जिस प्लेस के लिए आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, मुझसे वो ऑपरेशन परफॉर्म का किस प्लेस पर होगा, आइदर लेफ्ट ऑफ द टू और राइट। मीन्स आपको इसके साथ परफॉर्म क्या करना, इंसर्ट बिफोर, बिफोर मीन्स जस्ट बिफोर टू इंडेक्स, इंडेक्स टू। तो इंडेक्स टू का प्रीवियस इंडेक्स क्या है 1, तो मीन्स न्यू आइटम किस इंडेक्स में इंसर्ट होगा 1 इंडेक्स में, लेकिन 1 इंडेक्स में ऑलरेडी एलिमेंट फाउंड हो रहा है, क्या फाउंड हो रहा है इसके में 20। तो इसके में जस्ट 20 के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या करा, वो शिफ्ट ऑपरेशन, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स जस्ट आपको 1 पोजिशन राइट में शिफ्ट करने होंगे, लेकिन ये शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम पोजीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, अगर इसे एरे का करंट साइज एन है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा एन माइनस वन। प्लस शिफ्टिंग कब तक कराना है, एन माइनस वन टू अप टू, कब तक, करंट पोजीशन ऑफ द इंडेक्स और इंडेक्स माइनस वन अप टू इंडेक्स माइनस वन, अप टू इंडेक्स माइनस वन। क्लियर। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है, इस केस में सपोज दैट अगर मैंने गिवन आइटम पास किया 10, मीन्स 10 के केस में मीन्स दैट प्लेस, और इसके जस्ट पहले अगर बात करें तो पहले मीन्स कोई एम्प्टी प्लेस है क्या बिफोर गिवन, इसके पहले कोई आपके पास वैलिड पोजिशन है ही नहीं। अगर गिवन आइटम का इंडेक्स, इफ वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज इक्वल इक्वल जीरो, अगर इंडेक्स जीरो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आपने पास किया होता समथिंग 10 के केस में सर्च फंक्शन सर्च क्या करेगा, एलिमेंट 10 का इंडेक्स, और 10 का इंडेक्स क्या है जस्ट जीरो, तो इस केस में रिटर्न क्या है वो जीरो, तो इंडेक्स का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो जीरो, और जीरो के पेमीस आप न्यू एलिमेंट का इंसर्ट करा बिफोर जीरो थे इंडेक्स, जीरो के पहले प्रीवियस इंडेक्स क्या है माइनस वन विच इज इनवैलिड इंडेक्स, मीन्स इस केस में इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप चेक करोगे कहीं सर्चिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजिशन में अवेलेबल तो नहीं है। क्लियर। देन अरे फर्स्ट पोजीशन में अवेलेबल है, देन इस केस में फर्स्ट पोजीशन ऑनवर्ड्स इज टू पॉसिबल केस है, या तो आप कोई भी इंसर्शन परफॉर्म नहीं कराओ, या फिर सारे के सारे एलिमेंट राइट में शिफ्ट होंगे। तो इस केस में वैलिड पोजीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस केस में अगर जीरो इंडेक्स है तभी भी सारे के सारे एलिमेंट पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। राइट हैंड साइड में शिफ्ट कब तक होंगे, अप टू, मीन्स शिफ्टिंग कब तक कराना, अप टू दैट प्लेस, मीन्स 30 इटसेल्फ शिफ्ट कहाँ हो जाएगा ऑन द राइट। आपको न्यू एलिमेंट इंसर्ट कहाँ कराना, जस्ट बिफोर 30, और 30 के पहले ऑलरेडी क्या फाउंड हो रहा है 20, अगर 20 को भी शिफ्ट कराओ देना न्यू एलिमेंट 20 से पहले इंसर्ट हो जाए। आपको शिफ्टिंग किस प्लेस से कराना है, फ्रॉम करेंट पोजिशन ऑफ द इंडेक्स। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में जस्ट शिफ्टिंग कराने के लिए पहले आप कंडीशन टेस्ट करोगे कहीं इस प्लेस पर सर्च फंक्शन ने माइनस वन रिटर्न तो नहीं किया, और माइनस वन आ जाता है इसका मतलब क्या है, गिवन आइटम इज नॉट एग्जिस्टिंग। अगर सपोज दैट इस प्लेस पर 100 पास करते हैं, 100 एग्जिस्टिंग है क्या, नहीं। अगर 100 पास करोगे देन गिवन क्या है 100, 100 के केस में इंडेक्स क्या आएगा माइनस वन, माइनस वन है देन इस केस में इंसर्ट ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं, इसलिए आप कंडीशन चेक कराओगे बिफोर इंसर्शन, इफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन ओनली इंसर्ट ऑपरेशन पॉसिबल है। क्लियर। लेकिन इस केस में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से जस्ट पहले आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। तो डेटा शिफ्टिंग किस प्लेस से किस प्लेस तक रिक्वायर्ड, फ्रॉम एन माइनस वन टू अप टू इंडेक्स्ड, मीन्स इंक्लूडिंग इंडेक्स। तो यहाँ शिफ्टिंग के लिए जस्ट मैं फोर लूप अप्लाई करूंगा,
फॉर लूप के केस में एक ऑलरेडी मैं वेरिएबल क्रिएट कर चुका हूँ आई, आई के केस में इनिशियलाइजेशन क्या कराएंगे जस्ट एन माइनस वन। जब वेरिएबल क्रिएट होगा आई, आई के केस में असाइन क्या हो जाए एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या सिक्स, सिक्स माइनस वन इज फाइव, इस आई इज रिप्रेजेंटिंग फिफ्थ एलिमेंट, आई में क्या असाइन हो जाए जस्ट फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स, सॉरी फिफ्थ इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, लूप कब तक चलाना है, जब तक आई का वैल्यू इंडेक्स से बड़ा है इंडेक्स के इक्वल है, मीन्स आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इंडेक्स, क्लियर। प्रीवियस केस में कंडीशन क्या था, आफ्टर गिवन की केस में ओनली ग्रेटर देन इंडेक्स, लेकिन इस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। नेक्स्ट वन, एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, देन इसके जस्ट बाद एवरी टाइम परफॉर्म क्या करेंगे, इस प्लेस पर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, वट इज द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन इज सिक्स एंड अदर वैल्यू क्या था इंडेक्स, वट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज जस्ट टू इन गिवन केस। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट इस केस में आई में क्या आसान हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आई इक्वल्स टू फाइव, देन कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन में आई का वैल्यू क्या है फाइव और इंडेक्स का वैल्यू क्या टू, फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन इस केस में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट शिफ्ट होगा, फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ हुआ ऑन द नेक्स्ट पोजिशन, तो इस केस में असाइन मिसेस किसे एलिमेंट को कॉपी कराना, फिफ्थ एलिमेंट को, फाइव केस में स्टोर है करंटली आई में, तो इस प्लेस में सप्लाई क्या करें ए ऑफ आई विल बी कॉपीड और असाइन टू द ए ऑफ आई प्लस वन इंडेक्स, क्लियर। आई का वैल्यू फाइव है तो इस प्लेस पर पास क्या हो फाइव, फाइव प्लस वन इज सिक्स, तो ए ऑफ सिक्स में क्या कॉपी हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ फाइव, ए ऑफ फाइव में क्या फॉर्मूला सिक्सटी, असाइन किस में जाए सिक्स इंडेक्स में, क्लियर। इज नाउ सिक्सटी इज मूव्ड इस प्लेस पर ऑलरेडी एज्यूम कर लेना, मीन्स फाउंड किया ट्वेंटी और थर्टी, मीन्स इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस प्लेस पर कॉपी क्या हो चुका है सिक्सटी, इस प्लेस पर क्या था टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी, मैं सिक्सटी को ऑलरेडी मूव करा चुका हूँ, इसे पूरा डायग्राम मैंने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद 60 शिफ्ट होने के बाद देन परफॉर्म क्या हुआ, अभी से 60 तो मूव हो चुका है, मूव किसको कराओगे जस्ट 50 को, तो 50 के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ i माइनस माइनस, नाउ i बिकम्स 4, देन कंडीशन टेस्टिंग 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स वैल्यू क्या 2, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन 2 है फिर से बॉडी एग्जीक्यूट, तो बॉडी के अंदर i के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे i का वैल्यू 4, नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में जाएगा फिफ्थ इंडेक्स में, मीन्स आई के प्लेस पर फोर आएगा, फोर प्लस वन बिकम्स फाइव, तो मीन्स फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में होगा फिफ्थ इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में फिफ्टी फाउंड हो रहा है, नाउ सिक्सटी रिप्लेस्ड बाई फिफ्टी, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, सॉरी माइनस माइनस के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हो जाएगा, करंट वैल्यू क्या था फोर, आई बिकम्स थ्री। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कंडीशन टू ट्रू है, देन थ्री थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट आसानी किस में होगा फोर्थ इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है फोर्टी, कॉपी किस में होगा फोर्थ इंडेक्स में, इस प्लेस पर क्या हो जाए फोर्टी, फिफ्टी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस आई बिकम्स टू, कंडीशन टेस्टिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है, देन इंडेक्स टू का आइटम कॉपी किस में होगा टू प्लस वन इज थ्री, इससे सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हो जाएगा थर्ड इंडेक्स में, इस प्लेस पर जस्ट कॉपी क्या हो जाएगा थर्टी। नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस, नाउ आई बिकम्स वन, वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स देन कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा उससे पहले सारे के सारे एलिमेंट, मीन्स गिवन एलिमेंट क्या था इस केस में, गिवन मैंने पास किया था थर्टी, तो थर्टी के जस्ट बाद मीन्स ये पोजिशन आपके पास एम्प्टी प्लेस हो चुका है, लेकिन इससे पहले जितने भी एलिमेंट थे इसके बाद करंट पोजिशन ऑनवर्ड सारे के सारे एलिमेंट राइट हैंड पोजिशन में शिफ्ट हो चुका है, करंट प्लेस कैसा है एम्प्टी, एम्प्टी देन इस प्लेस पर आपके लिए न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना पॉसिबल है, देन इमीडिएटली लूप के जस्ट बाद राइट क्या करूँगी, इसे लॉजिक भी ऑलमोस्ट कैसा एग्जैक्टली सेम एज इंसर्टिंग आफ्टर गिवन, ओनली इस केस में प्रीवियस केस में कंडीशन क्या था आई ग्रेटर देन इंडेक्स, इस केस में कंडीशन क्या आई ग्रेटर देन इक्वल इंडेक्स, ओनली शिफ्टिंग में डिफरेंस है, बाकी सारे लॉजिक कैसे सेम एज प्रीवियस, देन इमीडिएटली लूप के बाद आप राइट डाउन क्या कर सकते हो, मीन्स असाइनमेंट किस में कराना जस्ट टू में, और टू किस में स्टोर है इंडेक्स, प्रीवियस केस में इंडेक्स प्लस वन में असाइनमेंट किया था, लेकिन इस केस में डायरेक्टली असाइनमेंट किस प्लेस पर होगा गिवन इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल्स टू आइटम, ए ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू आइटम, आइटम का वैल्यू क्या था 25, इंडेक्स का वैल्यू क्या है टू, तो ए ऑफ टू में कैसा हो जाएगा जस्ट 25 बिफोर फर्स्ट,
गिवन क्या था 30, 30 से पहले जस्ट इंसर्ट क्या हो चुका है 25, देन क्लोज दिस इफ कंडीशन, देन क्लोज दिस फंक्शन, देन इस पर्टिकुलर केस को मेन फंक्शन के थ्रू टेस्ट करना पॉसिबल है. क्लियर? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेन फंक्शन अवेलेबल है, देन मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं डमी लॉजिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉट अ कंप्लीट. वॉइड मैन, मैन के अंदर मैं कोई एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ विद इनिशियल साइज इंट ए, 10 के साइज क्या इसका 10 का मैक्सिमम साइज, लेकिन करेंटली मैंने एलिमेंट असाइन किए 10 20 30 40 50 एंड 60, दिस द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इनसाइड एरे. प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या समथिंग आई एन, करेंटली मैंने 6 एलिमेंट असाइन किए इसलिए आई का एन का वैल्यू सेट कर दिया 6. जनरली आप एरे के लिए एलिमेंट और एन का वैल्यू कीबोर्ड से रीड कराओ, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल्स. नेक्स्ट इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या होगा, इंसर्टेड आइटम और गिवन आइटम. तो गिवन के केस मैंने असाइन करा जस्ट 30 एंड आइटम का वैल्यू क्या इस केस में एच 25. इसको जस्ट बिहेवियर टेस्ट करने के लिए कॉल क्या कर लोगे, इंसर्ट एरे का एड्रेस ए एन गिवन आइटम जी एंड इंसर्टेड आइटम आइटम. क्लियर? देन इसके जस्ट बाद एलिमेंट डिस्प्ले करा हुए, डिस्प्लेइंग ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे. एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या कर लें, जस्ट लूप आई प्लस प्लस, देन इन साइड लूप वी आर डिस्प्लेइंग प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इस प्लेस पर स्पेस प्रोवाइड करना, इससे एलिमेंट सेपरेटली चेक करना पॉसिबल, एंड फाइनली क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन. दिस इज द लॉजिक वाई यूजिंग विच वी कैन इंसर्ट न्यू एलिमेंट बिफोर गिवन एलिमेंट और गिवन नंबर.